और झांसी मंडल आए अर्जन, नए व्यापार सृजन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और गाड़ियों को गति देने प्रदान करने में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। ये उत्तर मध्य रेलवे का एक महत्वपूर्ण मंडल है जो देश के उत्तरी भाग को दक्षिणी भाग और पूर्वी भाग को पश्चिमी भाग से जोड़कर रेलों के आवागमन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। झांसी मंडल भारतीय रेल के महत्वपूर्ण अंग के रूप में अपने सभी सम्मानित रेल उपयोगकर्ताओं की सेवा में निरंतर श्रम कर रहा है। झांसी मंडल में प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्रियों का आवागमन होता है और इस कारण यहाँ पर यात्री सुविधाओं का निरंतर विकास किया जाना रेल प्रशासन की प्राथमिकता है। कदम तो उठा रहे हैं। बराबर जो है आरपीएफ की भी हमने डिमांड की हुई है, आरपीएसएफ को भी लगाया था। बीच में इलेक्शंस आ जाते हैं तो हमें डाइवर्ट भी करना पड़ता है। हमने जो है स्टेट रेलवे पुलिस जो है मध्य प्रदेश की, उनसे भी संपर्क किया हुआ है और छतरपुर में उनको स्थान भी दिया हमने ताकि वो अपना मतलब स्थाई चौकी बना सकें और वो रह रहे हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से बाकी आपको भी मालूम है कि 165 किलोमीटर का सेक्शन है, हमारे पास 30 स्टाफ लवलीपुर में, 10 खजुराहो में, उससे कैसे सेक्शन किया जा सकता है। और बागेश्वर धाम की ये हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आपको खुद ही मालूम होगा कि उसमें क्या है। तो हम सारे स्टेप्स उठा रहे हैं, जितनी ट्रेन चलती है उसमें कोचेज ऑगमेंट किए हैं, नई ट्रेनें चलाई हैं, का जो है वेलफेयर है वो भी है। और उसमें ये डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल है, आपको ऊपरी तौर पे लगता है कि कोई सुविधा नहीं है, लेकिन एक आप आम आदमी से पूछिए और जो हमारे कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं कर्मचारी, उनसे पूछिए कि उसमें सुविधा है कि नहीं। सुविधा होना एक बात होती है, सुविधा में और उसमें क्या बढ़ोतरी की जा सकती है, क्या स्कोप है, वो दूसरी बात होती है। आपका ये कहना नहीं, नहीं देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है, सारी चीज़ें नियम से होती हैं। नियम भारत सरकार का है कि उसको CGHS बेसिस पे जो है उतने रुपए मिलेंगे और उसके बाद दी जाएगी। अब झांसी जैसा जिला है वहाँ पे जो जितने भी रजिस्टर्ड हैं जिनकी अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं तो उनको हम उनको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कॉल करते हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और अगर नहीं पार्टिसिपेट करेंगे तो हम उनको फोर्स नहीं कर सकते हैं। और अगर वो नहीं उतने पैसे में वो करने चाहते हैं तो हम फिर हमारे पास इंप्रेस की सुविधा है, हम उसको जो है कर्मचारी को दे देते हैं कि भाई इंप्रेस से सरकारी तौर पर आपको इतना अनुमेय है, आपको दे दिया जा रहा है। आप अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMDNewsFlash।